ओके सो व्हाट इज अ वांटेड आर्मी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस बेसिकली आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लोज एनकाउंटर में गलतियों के बारे में। और मेरे बैकग्राउंड से कुछ नॉइस है तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैं आज अपने रूम में बैठकर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। तो देखो भाई अपने क्लोज एनकाउंटर के जो तीन मेन ड्रिल्स हम यूज़ करते हैं उनमें होता है जंप शॉट, क्राउच शॉट एंड प्रोन शॉट, जिसको हम ड्रॉप शॉट के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीनों में हम काफ़ी सारी गलतियाँ कर देते हैं जिनमें मतलब हमें नहीं करनी चाहिए और काफ़ी स्मॉल मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से हम वो काम प्रॉपर कर नहीं पाते। तो मैं आज आपको सिर्फ उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जंप शॉट के साथ, ठीक है। अब देखो जंप शॉट आपको पता होगा कि ऐसे मतलब आपको हम सिंपली जंप करके सामने वाले के ऊपर चढ़ जाना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें लोग गलती क्या करते हैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे आपने जंप शॉट लिया, आपको पहले बता देता हूँ मैं। देखो प्रॉपर जंप शॉट ये होता है, आप कवर में हो, बाहर आए, जंप लेके और एनिमी को मार दिया, नथिंग एल्स, ठीक है। बहुत ईजी होता है और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ भी होता है, कॉम्पिटिटिव प्लेयर हम खुद यूज़ करते हैं क्लासिक्स में। तो अब देखो यहाँ पर आपने जंप शॉट लेते हुए गलती क्या होती है, आप कवर से आए, मार दिया, ठीक है, सिंपल। आपको इससे ऊपर कुछ नहीं करना होता। गलती इसमें ये होती है कुछ बंदे जंप लेते लेते आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, उनका जो जॉयस्टिक होता है वो लेफ्ट में, अगर आप जंप ले रहे हो थोड़ा सा आगे रह जाता है जिसकी वजह से आप बंदे के ऊपर चढ़ जाते हो और आपका एम चोक हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। ऐसे देखो बंदे के ऊपर नहीं चढ़ना, आपको उससे दूर जंप लेनी है, आपको लेफ्ट में पीछे जंप लेनी है या फिर प्रॉपर लेफ्ट में वर्टिकली जंप लेनी है ऐसा, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर जंप लोगे तो आपकी बहुत बीटी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी गलती होती है, हम जंप लेके देखो ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं चढ़ना। दूसरी गलती होती है हम जंप लेके एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, लेफ्ट जंप लिया, ठीक है, आप जैसे लेफ्ट जंप लिया साथ साथ आप लेफ्ट में मूव करते रहते हो, तो आपको वो नहीं करना, आपको ऐसे ऑपोजिट मूव करना है, क्राउच करके वो आपकी मर्जी है। लेकिन जैसे आपने आपने ऐसे कवर में बैठे हो, यो बाहर आए, तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना है, आपको उसी डायरेक्शन में आगे आगे मूव नहीं करना है जिससे सामने वाले का एम चोक होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे आपको ऑपोजिट जाना है, एक बार नॉक किया मतलब नॉक किया, डैमेज किया, अंदर आ जाओ, कवर की तरफ दोबारा से मूव करो जहाँ से आप निकले थे। ऐसे बाबा लेफ्ट 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 जाओगे तो आपके लिए बीटी हो जाएगी, आपका सामने वाले का एम चोक नहीं होगा, जिसकी वजह से मतलब रहता है कि शायद आपको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं आपको ध्यान रखनी होती हैं। इसमें मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ मैं, देखो आप जैसे यहाँ पर चलो, यहाँ पर आपको बताता हूँ एक बार, मान लो ये फुल फ्लैज एक वॉल है, सामने से एनिमी आया, तो आपने जंप लिया, मैं ऐसे क्राउच करके जाता हूँ लेफ्ट में, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा राइट नहीं, काफ़ी बंदों को देखा है मैंने क्लासिक में भी, बहुत बंदे ऐसे करते हैं, जंप तो लिया बड़ा प्यारा लेकिन ऐसे ऑपोजिट ऐसे क्राउच करके मैं अंदर आ जाता हूँ कवर में। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद देखो अपना जो सेकंड आता है वो रहता है अपना क्राउच शॉट। और क्राउच शॉट कैसे होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है सॉरी फॉर दैट। देखो क्राउच शॉट अपना कैसा रहता, आपको सिंपल जिगल करते हुए या फिर सिंपल मूवमेंट करते हुए बीच में क्राउच कर लेना होता है। इसमें गलतियाँ आपको बताता हूँ मैं क्या रहती हैं। इसमें गलती रहती बंदे सामने एनिमी के आते ही क्राउच दबा देते हैं, उससे क्या होता है बंदे का जो ध्यान होता है आपके टखने पे होता है, ठीक है, जो हेड मारने वाला होता है, नहीं तो आपकी बॉडी पे होता है। तो अब जब आप सामने जाके क्राउच कर लोगे उसको दिख गया कि आपने क्राउच कर लिया, ठीक है, उस बंदे को दिख गया आपने क्राउच कर लिया, वो अपना एम फटाफट आपके चेस्ट पर ले आएगा। ये एक माइंडसेट होता है बंदों का कि उसके टकले पे मारो बस, ठीक है, ये आपको रखना भी चाहिए। तो अब क्या सीन है यहाँ पर, देखो आपको क्राउच ऐसे नहीं करना, ठीक है, आपको आगे सामने जाते क्राउच नहीं करना, या तो आप कवर में क्राउच करके बैठो और स्टैंड करके सामने आके दोबारा क्राउच कर लो, ठीक है, या फिर आप थोड़ा बहुत फायर लेने के बाद फिर क्राउच करो। आपको ऐसा नहीं करना है कि बंदे के सामने गए पहले क्राउच किया फिर बाद में स्टैंड कर रहे हो, इतने में आपके एक दो हेड लग जाएंगे और पूरी बीटी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा एचपी जाएगी, आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सामने वाले को देखो ये जो तीन होती है ना, जंप, क्राउच एंड ड्रॉप, इन तीनों में आपको सरप्राइज देना होता है। अब सरप्राइज कैसा है, देखो आप मान लो सिंपल जिगल जिगल करो, अचानक से क्राउच कर लिया तो हो गया भाई काम। देखो मैं ऐसा करता हूँ, मैं गया जिगल जिगल क्राउच लास्ट में अंदर जोन में कर रहा कवर में, आपको सिंपल करने का है, ठीक है, थोड़ा बहुत जिगल दिया ऐसे लेफ्ट राइट और लास्ट में अगर बंदा नहीं मिला तो क्राउच कर लो, सरप्राइज रहना चाहिए सामने वाले के लिए। ये नहीं कि आप पहले क्राउच करके जा रहे हो फिर बाद में बार बार क्राउच बटन को स्पैम कर रहे हो, मैं भी करता हूँ ये वाली गलती होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप धीरे धीरे ऐसे इंप्रूव करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको करने के बाद अपना आता है ड्रॉप शॉट, ठीक है। ड्रॉप शॉट आप लोगों को पता होगा कि ड्रॉप शॉट क्या होता है, आपको सिंपली पहले बताता मैं, आप जैसे यहाँ पे कवर में हो, सामने आपका एनिमी है, तो आप बस जाओगे उसके पास जाके ऐसे लेट जाओगे, उसको मार दोगे। तो मैंने आपको बोला आपको सरप्राइज रखना होता है। अब क्या रहता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जब बंदा क्लोज में आ जाता है ना उसके पैरों में लेट जाते हैं, फिर वो बंदे की मूवमेंट होती है वो 90 डिग्री से ज़्यादा घूम जाता है और आपको पीछे से आके मार देता है। ये बीटी हर एक के साथ होती है। तो आपको क्या करना है इससे बचने के लिए, आपको कभी भी क्लोज जो सबसे क्लोजेस्ट एनिमी है ना उसके सामने नहीं लेटना, ठीक है। और आपको ये भी नहीं कि बंदा देखते ही लेट गए अचानक से, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करने का है, देखो आप थोड़ा बहुत जिगल दिया, जिगल देके लेट जाओ, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद, आपको मैं डिस्टेंस भी बताऊंगा प्रॉपर। आप पहले देखो कि आपको ड्रॉप शॉट कब नहीं देना,
आप लोग कवर में हो, कुछ लोग क्या करते हैं कवर के पास ही लेट जाते हैं। ड्रॉप शॉट के टाइम आपको आसपास देखना होता है, अगर आप कवर के बिल्कुल बगल में लेट जाओगे ना, आपका बंदा वहाँ पर लॉक हो जाएगा। देखो आप इससे राइट मूव नहीं कर पाओगे, वो बंदा राइट गया तो आप मरोगे ही डेफिनेटली। तो आपको कवर से दूर लेटना है और बंदे के सिर्फ दूर लेटना है, ठीक है। कम से कम आपके और बंदे के बीच में 10 से 12 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। उससे कम में आप ड्रॉप शॉट लोगे और बंदे ने आपको हल्का सा लेफ्ट राइट मूवमेंट देके मार दिया तो डेफिनेटली आप मरने वाले हो, अगर आपका हेड नहीं लगा। देखो इससे दूर आपको, देखो 12 मीटर जैसे वो वाला टारगेट है ना, तो इतना दूर मारो, इतना क्लोज जाके मारोगे तो वो नहीं मरेगा, उसकी टांगों पर चोट लगेंगे। लेकिन थोड़ा दूर होगा तो आपका क्रोसर खुलेगा, उसके हेड पर भी लग सकता है। ये देखो सिंपली उसके हेड पर भी लग सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करने का है, ड्रॉप शॉट लो, कभी कवर के पास ना लो, जिससे आपका यहाँ पे आप लोक ना हो जाओ। ऐसे आप कवर के पास लेटोगे तब आपकी बीटी होगी सारी। लेकिन और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको जो सामने टारगेट है उससे 10 से 12 मीटर की दूरी पर कम से कम ड्रॉप शॉट लेना है, ठीक है। इससे पास अगर लोगे तो मेक श्योर कि आपने पहले उसको डैमेज दे रखा हो 50% से ज़्यादा लो एच पी पे हो, तो आप उसको सरप्राइज दोगे, आप भी लो तो फिर वो हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 50% बंदा एच पी खा सकता है टांगों पे मार के, ठीक है। लेकिन नहीं देने का है, क्योंकि सामने वाले को अगर मूवमेंट देनी आती है, जिगल देना आता है, तो वो डेफिनेटली आपको ले जाएगा। आपके शॉट लगेंगे पैर पे, उसके लगेंगे आपके टकले पे, ये फर्क होता है। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करना 25 का टारगेट रहेगा अपना, कमेंट में बताना क्या आपको सही लगा, किस पे अगली वीडियो चाहिए। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.